नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन और ताइवान का तनाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन की महत्वाकांक्षा है कि वो ताइवान पर अपना कब्जा जमा ले। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश में जुटा हुआ रहता है। कभी वो अपने फाइटर जेट्स भेजता है, कभी बॉम्बर्स भेजता है, कभी राजनीतिक क्रिया के जरिए जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को धमकाने की भी कोशिश करता है। लेकिन अब जो ताइवान से जुड़ी हुई खबर सामने आई है वो बहुत सनसनीखेज है। उसने चीन के जो कान है वो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चीन को भी इसकी भनक नहीं थी। जो अमेरिका कांड को अंजाम दे रहा था ताइवान के अंदर, चीन को भी इस बात की भनक नहीं थी। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो चीन के होश उड़ गए हैं, वो धमकी देने पर उतारू हो गया है। इसके पहले जो ये तनाव था, जब चीन लगातार बॉम्बर्स लेकर और लड़ाकू विमान लेकर बीते 5 दिनों में 148 बार विमानों के साथ जो घुसा वो 4 दिनों में, उसको लेकर भी अमेरिका से तीखी नोकझोंक चीन के बीच हुई थी। इसी बीच फ्रांस का एक डेलीगेशन भी पहुंच जाता है चीन की धमकी के बावजूद भी। और अब ये खबर आ रही है, अमेरिकी अखबार की तरफ से ये खबर आई है कि अमेरिकी सैनिक प्रशिक्षित कर रहे हैं ताइवान के सैनिकों को। जी हाँ, ये खबर आई है अमेरिकी अखबार के जरिए, जिसके बाद से चीन जो है वो लाल हो गया है। क्या है इस पूरे रिपोर्ट में, ये भी जरा आप जान लीजिए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर छापी है कि अमेरिकी विशेष बलों के सैनिक और नौसैनिक ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है, इस बारे में इस खबर में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इन प्रशिक्षकों को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ताइवान भेजा गया था, लेकिन ये बात अब तक गोपनीय रखी गई थी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1979 के बाद से अमेरिकी सैनिकों को कभी ताइवान में स्थायी रूप से तैनात नहीं किया गया। उसी वर्ष अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी अपनाते हुए कम्युनिस्ट चीन के साथ राजनयिक संबंध कायम किए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन सपल ने भी सीधे शब्दों में कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि ताइवान को हमारा समर्थन और उससे हमारा रक्षा संबंध चीन की तरफ से पेश आ रहे मौजूदा खतरे के खिलाफ है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो इशारा है वो बताता है कि अमेरिका इस तरह की चीजें ताइवान के अंदर अंजाम दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के तरफ से इस पर भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका से ताइवान को सैनिक मदद तुरंत रोकने की चीन ने मांग की है। चीन का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें भी ये कहा गया है कि ताइवान और अमेरिका के बीच किसी प्रकार के सैनिक संबंध का चीन मजबूती से विरोध करता है। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि अमेरिका ने कुछ संगठन अपने ताइवान में तैनात किए हुए हैं, जिसके जरिए वो चीन और उसकी गतिविधियों से जुड़े खुफिया रिपोर्ट्स वो संगठन जो है वो प्राप्त करता रहता है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जब चीन ये बात कह रहा है कि वो ताइवान पर हमला करके भी उसे कब्जा जमा सकता है, ताइवान भी एक तरफ जहां कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला होगा, विभत्सकारी होगा, तो अब ऐसे में अमेरिका की इस जब भूमिका ये जो सामने आ गई है, अब ये तनाव कहां पहुंचता है ये भी देखना होगा। चीन ताइवान के बीच जो मौजूदा तनाव है उससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर आएगी वो भी लगातार है कि अब वो करे तो करे क्या, इस बात की पुष्टि एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में हुई।